हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स का एक नीट पीजी पे। आज मैं आपको सामने फायर आर्म यानी बैलिस्टिक्स का दूसरा पार्ट की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूं। मैं आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के टॉपिक में मैं आपको एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, पपेज रूल जो है, बिवेलिंग और जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैकनिंग किस में देखी आती है, सिंगिंग किस में देखी जाती है, क्लोज शॉट, कॉन्टैक्ट शॉट, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो आज मैं बैलिस्टिक्स का दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीट पीजी के आपको गाइडेंस देंगे, पढ़ाएंगे, मेंटर करेंगे। ये यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं तो वहाँ पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी चीज का कोई भी क्वेरीज है तो ऑन द स्पॉट आपका सॉल्व हो जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर्न हैं तो इंटर्न का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है, तो ऐसे में वो डेली एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं कहीं क्लास करने या कुछ, तो ऐसे में उनको घबराने की कोई बात नहीं है। वो यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो जब चाहें अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना के हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो ये लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं। आपके जो डाउट हैं वो आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरएक्टिव पोल्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए एजुकेटर्स ने आपको लाइव क्लास में कोई क्वेश्चन दिया है तो आप तुरंत अपने स्मार्टफोन में उसका आंसर चूज करके आप दे सकते हैं और तुरंत आपको उसका आंसर पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं तो भी आपको घरवाने की कोई बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आपको बस करना ही ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूँ तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं LIVEDRAM तो आपको उन चार्जेस पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा कोड है LIVEDRAM। अगर आप 1 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 4500 का। 3 months का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 11250 का। 6 month की अगर मैं बात करूं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 18000 का। अगर मैं 12 months की बात करूं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे अगर मैं 24 month की बात करूं तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDRAM, अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज का। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जब भी आप कोई आप पढ़ाई स्टार्ट करें या आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो अपने अंदर जरूर एक मोटिवेशन लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म मैंने बता दी थी, जैसे शॉर्ट गन, राइफल फायर आर्म के अंदर भी लैंड्स एंड ग्रूव, उनकी रेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट्स, मैंने आपको वो सब समझा दिया था। आज की वीडियो में मैं पहले लेता हूँ वुंड बैलिस्टिक, यानी कि जब गोली लगती है तो उस वजह से क्या क्या इंजरीज होती हैं। डॉक्टर्स डूइंग ऑटोप्सी फॉर फायर आर्म कॉज आर कंसर्न विद वुंड बैलिस्टिक। द फॉलोइंग इशू नीड अटेंशन वाइल कंडक्टिंग ऑटोप्सी, वेदर द वेपन इज राइफल और स्मूथ बोर, द नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेचर ऑफ प्रोपेलेंट,
द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग, द रेंज ऑफ फायरिंग, ये सारी चीज़ें ऑटोप्सी करने से पहले डॉक्टर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इंजरी कॉज बाय राइफल फायरआर्म, सबसे पहले लेते हैं कि राइफल फायरआर्म से क्या क्या इंजरीज होती हैं। वुंड प्रोड्यूस बाय राइफल फायरआर्म इज कॉल्ड एज गन शॉट वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड प्रोड्यूस बाय प्रोजेक्टाइल दैट इज द बुलेट इन द राइफल फायरआर्म, यानी कि जो गोली लगती है ओवर बॉडी इज कॉल्ड एंट्री वुंड। द वुंड कॉज बाय बॉडी, द वुंड कॉज टू बॉडी बाय प्रोजेक्टाइल वाइल लिविंग द बॉडी आफ्टर एंट्रिंग इज कॉल्ड एट एग्जिट वुंड। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं तो अगर ये मान लीजिए एक ये एक इंसान है, गोली यहां से लगी तो ये हो गया एंट्री वुंड, गोली आर पार चली गई तो जहां से बाहर निकली तो वो एग्जिट वुंड कहलाती है। ट्रैक ऑफ इंजरी क्या होता है, द पार्ट ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल दैट इज द बुलेट इन राइफल फायरआर्म बिटवीन द एंट्री वुंड एंड द एग्जिट वुंड इज कॉल्ड द ट्रैक ऑफ इंजरी। द डिस्टेंस बिटवीन द मजल एंड ऑफ द फायरआर्म एंड द टारगेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फायरआर्म। तो यानी कि ट्रैक ऑफ इंजरी क्या हो गया, एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड के बीच में जो बुलेट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया ट्रैक ऑफ इंजरी, और ये मजल एंड से लेके एंट्री वुंड से पहले तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा रेंज ऑफ फायरआर्म। तो रेंज ऑफ फायरिंग, एंट्री, ट्रैक एंड एग्जिट वुंड कॉज बाय फायरआर्म। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट कॉम्पोनेंट इमर्जिंग फ्रॉम मजल एंड ऑफ फायरिंग, यानी कि जब गोली हम लोग चलाते हैं तो मजल एंड से क्या क्या चीजें बाहर निकलती है। सबसे पहले निकलता है गोली, मतलब क्या क्या चीज निकलती है, बंदूक निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है, प्रोजेक्टाइल इन फॉर्म ऑफ बुलेट, स्मोक धुआं निकलता है, गन पाउडर के पार्टिकल्स निकलते हैं और आग निकलती है। ये आग कैसे निकली, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया था कि जब ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग एक्शन से जो फायरिंग पिन है वो प्राइमर को इग्नाइट करती है, प्राइमर जब इग्नाइट होता है तो उस वजह से गन पाउडर जलना स्टार्ट होता है, जो वो गन पाउडर जला है उसी का ही ये फायर प्रोड्यूस होता है, वही फायर बाहर आती है। तो जब भी बंदूक चलाई जाती है तो ये चीजें बाहर आती हैं, जैसे स्मोक, गन पाउडर के पार्टिकल्स, फायर और जो है गोली। सिंस ये जो गोली है ये जो बैरल के अंदर से होके निकलती है और बैरल के अंदर ग्रीस वगैरह भी रहती है तो इसलिए गोली के अंदर ग्रीस भी लगी रहती है। तो फीचर्स हम देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ गन शॉट वुंड हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला फीचर है when rifle firearm is fired along with bullet many component will emerge from the muzzle end of the gun and cause effect over target। यानी कि जब भी गोली चलाई जाती तो सिर्फ गोली ही नहीं निकलती है, उसके साथ साथ और भी चीजें बाहर निकलती जो मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया। while entering the body the bullet attempts to penetrate the skin against the elasticity of the skin is stretched before penetration and with resultant perforation the margin become inverted। similarly due to penetration the bullet cause abrasion due to elasticity of skin the entry wound get retracted and the weapon appear small while leaving the body the bullet penetrate the skin but here skin is unsupported unlikely entry wound skin therefore it gives off causing more rent एन इवर्टेड इमेज। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर मैं आपको समझाऊं मैकेनिज्म ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड, यानी कि जब बुलेट अंदर आती है तो स्किन स्ट्रेच होती है, स्किन इज स्ट्रेच बिफोर पेनिट्रेशन, जब पेनिट्रेट कर जाती है तो उसकी वजह से जो मार्जिन जो होंगे वो इन्वर्टेड हो जाएंगे, जैसे आपने देखा मार्जिन जो है वो इन्वर्टेड हो जाएंगे, तो स्किन रिट्रैक्टेड टू फॉर्म स्मॉल वुंड ऑफ एंट्री। तो इससे क्या है, जो एंट्री वुंड है वो स्मॉल हो जाएगा, लेकिन एग्जिट के टाइम पे क्या होगा, जब एग्जिट होती है तो ऐसा कोई स्ट्रेचिंग बुलेट एग्जिटिंग फ्रॉम द बॉडी तो उस वजह से क्या होता है, जो मार्जिन होते हैं वो इवर्टेड हो जाते हैं, यानी कि मार्जिन जो होंगे वो ऐसे इवर्टेड हो जाएंगे। तो
तो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर यही बोला गया है, इन्वर्टेड हो जाएंगे जब जो जब एंट्री होगी और इवर्टेड हो जाएंगे जब एग्जिट होगी। ड्यू टू स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट इट कॉजेस फ्रिक्शन ऑफ द स्किन एंड प्रोड्यूस अ एब्रेशन कॉलर और एरुला। यानी कि बुलेट की जो स्पिनिंग मूवमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइफल फायर आर्म के अंदर लैंड एंड ग्रूव्स होते हैं, उसकी वजह से जो राइफलिंग की वजह से जो बुलेट होती है वो स्पिन करती है, उस स्पिनिंग की वजह से स्किन के अंदर थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से एब्रेशन कॉलर बनता है। तो अगर मैं इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ बुलेट वाइल पेनिट्रेटिंग स्किन कॉज फ्रिक्शन ड्यू टू विच एब्रेशन कॉलर इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये जो गोली है वो अपने ही एक्सेस पे स्पिन करती है, उस स्पिनिंग की वजह से जो एंट्री वुंड है उस पे थोड़ा सा एब्रेशन भी दिखाई देता है, उसको एब्रेशन कॉलर का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैरल के अंदर ग्रीस भी होती है, उसकी वजह से ग्रीस कॉलर भी बनता है। इसके आगे मैं इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं। ये द बैरल ऑफ फायर आर्म इज यूजली लुब्रिकेटेड, चिकनाहट रहती है, लुब्रिकेटेड रहता है। व्हेन सच लुब्रिकेटेड वेपन इज फायर्ड द बैरल कैरिड द लुब्रिकेंट वेल ट्रेवलिंग थ्रू द बैरल वेल एंटरिंग द बॉडी द लुब्रिकेंट। यानी कि जो ग्रीस वगैरह होता है ओवर द बुलेट गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्किन अराउंड द एंट्री वुंड। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द बुलेट वेल परफोरेटिंग द स्किन कॉज वाइपिंग द लुब्रिकेंट फ्रॉम इट सरफेस। जब बुलेट अंदर परफोरेट करती है तो उस टाइम पे जितना भी ग्रीस है वो एंट्री वुंड के अंदर चिपक जाता है। द लुब्रिकेंट और डर्ट पार्टिकल दैट गेट डिपॉजिट अराउंड द एंट्री वुंड इज कॉल्ड ग्रीस कॉलर और डर्ट कॉलर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रीस है लुब्रिकेंट लगा रहता है बैरल के अंदर, तो जब गोली बाहर आती है तो उसके साथ साथ ग्रीस भी चिपका रहता है गोली के अंदर। तो जब ये गोली जब परफोरेट करती है, जब एंट्री करती है, तो उसके साथ साथ एक ग्रीस का भी कॉलर बन जाता है। स्पिनिंग की वजह से एब्रेशन कॉलर बन जाता है और ग्रीस की वजह से ग्रीस कॉलर या फिर डर्ट कॉलर बन जाता है, डर्ट कॉलर बन जाता है। व्हेन बोथ कॉलर डेट इज एब्रेशन एंड ग्रीस कॉलर आर प्रेजेंट देन द ग्रीस कॉलर इज सीन इन द इनर जोन एंड द एब्रेशन कॉलर इज एट द आउटर जोन। जैसे मैंने आपको इस इमेज में मैंने आपको दिखाया कि अगर मान लीजिए कि किसी बुलेट के अंदर जो है ग्रीस और एब्रेजन दोनों होता है, दोनों कॉलर देखे जाते हैं, तो ग्रीस कॉलर हमेशा इनर साइड में देखा जाएगा और एब्रेजन कॉलर हमेशा बाहर की साइड में देखा जाएगा। द फ्लेम इमर्जिंग फ्रॉम द मजल एंड ऑफ द फायर आर्म मे प्रोड्यूस बर्न, बर्निंग को स्कॉर्चिंग भी बोला जाता है, ऑफ द स्किन एंड सिंजिंग ऑफ द हेयर्स। यानी कि हेयर्स जो जल जाते हैं उसको सिंज बोला जाता है, सिंजिंग बोला जाता है। तो स्किन के अंदर स्क्रॉचिंग यानी कि स्किन भी जलती है और अगर हेयर भी जलते हैं तो उसको सिंजिंग बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें देखा जाता है। द क्लोथ्स में शो एविडेंस ऑफ बर्निंग और मेल्टिंग। यानी कि अगर ये जो अगर मान लीजिए फायर, अगर मान लीजिए बुलेट को अगर फायर बहुत पास से किया जाता है तो जो फायर जो आएगी उससे कपड़ा भी थोड़ा बहुत जल जाता है, तो एविडेंस हमें मिल जाता है। द क्लोथ्स में शो एविडेंस ऑफ बर्निंग और मेल्टिंग। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट इमर्जिंग फ्रॉम मजल एंड ऑफ द फायर आर्म, फायर आर्म से क्या क्या चीजें बाहर आती हैं। प्रोजेक्टाइल इन द फॉर्म ऑफ बुलेट, तो इससे क्या क्या होगा, एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड बनता है। मैंने जैसा आपको बताया था स्पिनिंग मूवमेंट से एब्रेशन और ग्रीस की वजह से ग्रीस कॉलर भी दिखाई देता है। गन स्मोक एंड शूट, इसको हम लोग ब्लैकनिंग स्मजिंग या फिर ब्लैकनिंग इफेक्ट बॉडी पे देखा जाता है। गन पाउडर की वजह से टैटूइंग होता है, इसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक इमेज रखी हुई है लास्ट में, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। गैसेस की वजह से क्या होता है, ब्लास्ट इफेक्ट, चेरी रेड डिस्कलरेशन, जो गैसेस बाहर से बाहर निकल के आते हैं उसकी वजह से चेरी रेड डिस्कलरेशन हो जाता है। फ्लेम की वजह से जैसे मैंने आपको बताया था स्कॉर्चिंग यानी स्किन जब जलती है और जब हेयर्स जलते हैं तो उसको सिंजिंग बोलते हैं। मेटल पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं
और ग्रीस जो बैरल के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है ग्रीस होता है, उसकी वजह से ग्रीस कॉलर भी बनता है। तो चलिए बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बोला स्मोक, जब बैरल से मजल एंड से क्या क्या चीजें निकलती, स्मोक, इस स्मोक से क्या क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था गन स्मोक से ब्लैकनिंग होती होती है। टैटूइंग किसकी वजह से होगा, जो गन पाउडर होते हैं, जो गन पाउडर होते हैं यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपकी गन पाउडर है। एब्रेशन कॉलर, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्पिनिंग मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से एब्रेशन कॉलर होता है, और ये बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ ग्रीस कॉलर देखा जाता है। और ये हो गया हमारा एंट्री वुंड। तो एंट्री वुंड के जस्ट बाहर होगा ग्रीस कॉलर, उसके बाहर होगा एब्रेशन कॉलर, उसके बाद होगा टैटूइंग, और उसके बाद होगा स्मोक। तो चलिए दोस्तों एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड के बीच का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको बता देता हूं। एंट्री वुंड कैसा होगा, स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट, हाउएवर इन कॉन्टेक्ट शॉट इट मे बी लार्जर। ये लार्जर क्यों होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने आखिरी में स्लाइड रखी हुई है, क्योंकि जब कॉन्टेक्ट शॉट होता है तो गैस को निकलने के लिए जो है जगह नहीं मिल पाती है, तो जैसे ही गोली बाहर आई तो उसकी वजह से जो एंट्री जो बनी है उसी के अंदर गैसेस आ जाएंगी, उसी के अंदर जो स्मोक है वो आ जाएगा, उसकी वजह से जो है वो एरिया स्वेलन हो जाता है। उसी वजह से जो है ये थोड़ा लार्ज साइज का होता है, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्ट शॉट को छोड़ दें तो जनरली स्मॉल साइज का डायमीटर देखा जाता है। एग्जिट वुंड में जो डायमीटर होगा वो लार्ज होगा, एजेस जो होंगे इन्वर्टेड होंगे, जैसे मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में और पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एजेस जो होंगे इन्वर्टेड होंगे, लेकिन इसके अंदर इवर्टेड होंगे, यानी कि ये हो गया इन्वर्टेड तो ये हो गया इन्वर्टेड और ये हो गया इवर्टेड। एब्रेशन कॉलर और ग्रीस कॉलर, टैटूइंग, सिंजिंग और स्कॉर्चिंग यानी बर्न, ये सारी चीजें एंट्री वुंड में देखी जाएंगी, क्योंकि जो गोली निकली उसके साथ साथ जो है स्मोक भी निकला, गन पाउडर भी निकला, उसके साथ साथ ग्रीस भी निकली, तो ये सारी चीजें एंट्री वुंड में ही चिपक जाएगी। एग्जिट होते होते ये सारी चीजें रास्ते में ही सब चिपक जाएगी और एग्जिट के टाइम पे कुछ भी नहीं बचेगा। ब्लीडिंग जो है एंट्री के टाइम पे लेस होगी लेकिन एग्जिट के टाइम पे मोर होगी, क्योंकि जब एंट्री होती है तो उससे पहले तो कोई ब्लड का एरिया कोई है नहीं, वो तो एयर है, लेकिन जब एग्जिट होगा एग्जिट के टाइम पे क्या है वो एकदम ब्लड फील से होते हुए आई है, तो अंदर का जो ब्लड फील्ड है वहां का जितना भी ब्लड है वो एग्जिट के रास्ते से ही बाहर आएगा। टिश्यू अराउंड द वुंड, जो एंट्री वुंड होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से चेरी रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन यहां पे एग्जिट के टाइम पे ऐसा कोई भी कलर चेंज देखा नहीं जाता है। मेटल रिंग क्या होगा, मे बी प्रेजेंट लेकिन यहां पे एब्सेंट, फैट नॉट प्रोट्रूडेड मे बी प्रोट्रूडेड, यानी कि एग्जिट के टाइम पे हो सकता है कि कुछ फैट पार्टिकल्स भी बाहर आ जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको यहां पे बता देता हूं कि द रेंज ऑफ फायरिंग इज कंसिडर्ड एज, यानी कि चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कॉन्टेक्ट शॉट, क्लोज शॉट, नियर शॉट और डिस्टेंस शॉट, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, रेंज को चार उसमें डिवाइड किया गया है। कॉन्टेक्ट शॉट क्या होते हैं, हेयर द मजल एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी, यानी कि अगर मान लीजिए ये बॉडी है तो बंदूक जो होगी यहीं पे होगी। क्लोज शॉट क्या होगी, हेयर द विक्टिम इज विद इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लेम। नियर शॉट क्या होगा, हेयर द विक्टिम इज विद इन द रेंज ऑफ द गन पाउडर डिपॉजिटेड बट आउटसाइड द रेंज ऑफ फ्लेम। डिस्टेंस शॉट क्या होगा, हेयर द विक्टिम इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ फ्लेम, स्मोक एंड गन पाउडर रेसिड्यू। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि हाउएवर इन कॉन्टेक्ट शॉट मे बी लार्जर, ये लार्जर क्यों होगा इसके बारे में आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट शॉट है, शेप ऑफ वुंड एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस इन कॉन्टेक्ट शॉट, मान लीजिए ये कॉन्टेक्ट शॉट में ये इसका स्कल है और यहां पे बंदूक रखी गई है,
तो ये एकदम चिपका के बंदूक रखी हुई है। तो क्या होता है, जब फायर किया, गैस गेट एक्यूमुलेटेड बिटवीन स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो गोली के साथ साथ जो गैसेस बाहर निकली, तो वो क्या करेगा, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में, ये यहाँ पे इस एरिया में ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी एंड प्रोड्यूस ब्लास्ट इफेक्ट एंड कॉज टियरिंग ऑफ द स्किन, इवर्जन ऑफ द एजेस एंड प्रोट्यूजन ऑफ द फैट। ड्यू टू टियरिंग द शेप ऑफ वुंड मे बी ट्रायंगुलर, क्रूशेट एंड स्टार शेप। यही जो गैस होती है, इसी की वजह से ही जो शेप आता है कॉन्टेक्ट शॉट में, स्टार शेप या फिर क्रूशेट शेप शेप का आता है। ये जो गैस बीच में ट्रैप हो गई स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में, उसी की वजह से ये सारे इफेक्ट आते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे स्टार शेप एंट्री वुंड है। तो स्टार शेप एंट्री वुंड इन कॉन्टेक्ट शॉट, ये कॉन्टेक्ट शॉट किया गया होगा तभी ये जो है स्टार शेप ऐसा आया है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट शॉट, क्लोज शॉट, नियर शॉट और डिस्टेंस शॉट के बीच में। तो जो रेंज होती है, कॉन्टेक्ट शॉट में एकदम चिपका रहता है, जो मजल एंड होगा वो बॉडी से एकदम कॉन्टेक्ट होगा। क्लोज शॉट के केस में लेस देन 8 सेंटीमीटर का होगा डिस्टेंस, और जो नियर शॉट होगा उसमें 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस होता है, लेकिन जो डिस्टेंस शॉट होगा वो मोर देन 60 सेंटीमीटर की दूरी से फायर किया गया होगा। साइज ऑफ एंट्री वुंड की अगर मैं बात करूं तो लार्जर देन द बुलेट, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। तो जो गैस जो बीच में ट्रैप हो जाती है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में, तो उस वजह से एक ब्लास्ट इफेक्ट होता है, उसी की वजह से जो एंट्री वुंड होगा वो बड़ा होगा बुलेट की साइज से। क्लोज शॉट में क्या होगा, बुलेट की साइज का ही होगा, लेकिन जो नियर शॉट होगा और जो डिस्टेंस शॉट होगा उसके अंदर जो बुलेट का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इनवर्टेड इनवर्टेड एंट्री वुंड होती है। तो शेप ऑफ एंट्री वुंड की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल रहती हैं, जैसे कभी स्टार शेप, कभी क्रूशिएट शेप, लेकिन बाकी के अंदर क्या होगा, जनरली सर्कुलर शेप का एंट्री वुंड रहेगा। मजल इम्प्रिंट किस में रहेगा, सिंस कॉन्टेक्ट में क्या है, जो मजल है वो कॉन्टेक्ट में ही है, तो इसलिए यहां पे मजल इम्प्रिंट जो है प्रेजेंट होगा, लेकिन बाकी सब में कॉन्टेक्ट नहीं है इसलिए बाकी सब में एब्सेंट होगा। एजेस ऑफ एंट्री वुंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्ट शॉट में सिंस गैसेस जो हैं वो स्किन और सब क्यूटेनियस टिश्यू के बीच में फंस जाती है, जो गैसेस जो फंस जाती है उसकी वजह से इवर्टेड शेप का होता है, लेकिन बाकी सबके में इन्वर्टेड शेप का होता है, इसी वजह से जो बुलेट की साइज से भी छोटा एंट्री वुंड देखा जाता है। अगर मैं स्कॉर्चिंग की बात करूं, यानी कि जो फ्लेम जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट और क्लोज शॉट में प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो फ्लेम की रेंज में है, लेकिन बाकी जो है फ्लेम की रेंज में नहीं है इसलिए यहां पे एब्सेंट होते हैं। सिंजिंग यानी हेयर्स का बर्न होना, हेयर्स का बर्न जो है सिंस फ्लेम की प्रेजेंस में ही रहेगा इसलिए कॉन्टेक्ट शॉट और क्लोज शॉट के केस में ये प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सिंस नियर शॉट और डिस्टेंस शॉट के केस में जो है फ्लेम नहीं रहती है, तो इसलिए यहां पे हेयर्स बर्न नहीं होंगे। ब्लैकनिंग में जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है स्मोक की वजह से होता है, तो नियर शॉट तक स्मोक देखा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टेक्ट शॉट, क्लोज शॉट और नियर शॉट के केस तक जो है स्मोक देखा जाता है, इसलिए यहां तक ब्लैकनिंग देखी जाएगी, लेकिन डिस्टेंस शॉट में ये चीज देखी नहीं जाएगी क्योंकि उससे पहले ही स्मोक पहुंच नहीं पाएगा विक्टिम तक। टैटूइंग, टैटूइंग मैंने आपको बताया था जो गन पाउडर होता है उसकी वजह से टैटूइंग देखा जाता है, तो गन पाउडर सिर्फ
नियर शॉर्ट तक ही देखा जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ तक प्रेजेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस शॉर्ट तक गन पाउडर पहुंच नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे एबसेंट होगा। एब्रेशन कॉलर और ग्रीस कॉलर, तो सभी के केस में ये चीज प्रेजेंट होगी, क्यों? क्योंकि गोली तो पहुंच ही रही है विक्टिम के पास, तो इसलिए बैरल से निकला हुआ जो ग्रीस है और जो स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से जो एब्रेशन है वो सभी के केस में दिखाई देगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्लोज शॉट का ये एक एंट्री वुंड है, आप इसके अंदर टैटूइंग देख सकते हैं, ये टैटूइंग है, ये ब्लैकनिंग है, ये हेयर्स जल गए हैं, तो यहां पे सिंजिंग भी आप देख सकते हैं, और ये हमारा एंट्री वुंड ये हमारा है। तो इसके अंदर ये जो ब्लैकनिंग जो आई है ये गन पाउडर की वजह से है, ये गन पाउडर की वजह से ये ब्लैकनिंग हुई है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते कि किसके केस में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। फ्लेम, जो फायर जो आती है वो रिवॉल्वर और या फिर पिस्तौल के केस में 7.5 सेंटीमीटर तक ही ट्रेवल कर सकता है, तो उस केस में स्कॉर्चिंग 7.5 सेंटीमीटर तक ही देखी जा सकती है। लेकिन शोल्डर राइफल, जो राइफल जो होती हैं, उस केस में थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक देखा जा सकता है, यानी 15 सेंटीमीटर तक ये देखा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसके जो हेयर्स होंगे वो सिंज यानी कि बर्न कर जाएंगे फ्लेम की वजह से। अगर मैं स्मोक की बात करूं तो स्मोक की वजह से ब्लैकनिंग देखी जाती है और ये 30 सेंटीमीटर तक देखी जा सकती है। गन पाउडर की बात करूं जिसकी वजह से टैटूइंग होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक राइफल फायरआर्म के केस में देखा जा सकता है। इफेक्ट प्रोड्यूस इन क्लोज शॉट इन राइफल फायरआर्म। तो अगर मैं बात करूं इस केस में तो ये जो है ये क्लोज शॉट का एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो काफी पास से, यानी कि लेस देन 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से फायर किया गया होगा, इसलिए यहां पे हर एक चीज देखी जा रही है। इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो वुंड है लगभग सर्कुलर शेप का है, जो मैंने पिछले कॉन्टेक्ट शॉट में दिखाया था एटलीस्ट स्टार शेप का तो नहीं है, स्टार शेप कॉन्टेक्ट शॉट में देखा जाता था, यहां पे सर्कुलर शेप का वुंड है। यहां पे हमने देखा मजल इम्प्रिंट नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं है इसलिए मजल इम्प्रिंट भी यहां पे नहीं है। स्कॉर्चिंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ये सारी चीजें भी यहां पे हमें देखने को मिली है। चलिए दोस्तों अब बात करते बिवेलिंग के ऊपर। अगर मान लीजिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड ऑफ स्कल, तो हमें यहाँ पे मेन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बिवेलिंग के ऊपर। बिवेलिंग मतलब क्या होता है? बिवेलिंग का मतलब होता है बस्ट करना। तो अगर मैं बात करूं स्कल की, तो मान लीजिए ये स्कल है और ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बुलेट यहां से आ रही है, अंदर, तो जैसे ये आउटर टेबल, ये हो गई हमारी आउटर टेबल, ये हो गई हमारी आउटर टेबल ऑफ स्कल, और ये हो गया हमारी इनर टेबल, ये हो गई हमारी इनर टेबल ऑफ स्कल। तो अगर मान लीजिए यहां से बुलेट आई, तो यहां पे होल की, होल करने के बाद जो अंदर की जो टेबल है वहां पे बिवेलिंग किया। तो यानी कि अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं तो यहां पे एंट्री वुंड किया और फिर बिवेल किया, तो हमेशा बाहर की टेबल पे जो एंट्री वुंड अगर देखा जाएगा तो बाहर की टेबल में छोटा एंट्री वुंड रहेगा और बाहर की टेबल पे जो इनर की जो टेबल रहेगी उसमें बिवेलिंग देखा जाएगा। लेकिन जब यही बुलेट ट्रेवल करके जब यहां एग्जिट की तरफ आएगी तो यहां पे भी पहले छोटा एंट्री होगा और बाहर की तरफ बिवेलिंग देखी जाएगी। तो एग्जिट के टाइम पे ये हो गया हमारा एग्जिट वुंड और ये हो गया हमारा एंट्री वुंड। तो एग्जिट वुंड के टेबल में जो आउटर टेबल वहां पे बिवेलिंग देखी जाएगी और एंट्री वुंड के टाइम पे जो इनर टेबल है वहां पे बिवेलिंग देखी जाएगी।
तो अगर मैं इसको अच्छे से इसको मैं समझाऊं यहां पे, मैंने शायद इसके रिगार्डिंग स्लाइड नहीं रखी है, नहीं इसके रिगार्डिंग स्लाइड मैंने नहीं रखी है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं मैं कि एंट्री वुंड, तो एंट्री वुंड बिवेलिंग हमेशा होगा इनर टेबल पे, लेकिन एग्जिट वुंड में जो जो बिवेलिंग देखी जाएगी वो हमेशा देखी जाएगी आउटर टेबल पे। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा यहां पे एंट्री वुंड में जो इनर टेबल है वहां पे बिवेलिंग देखी गई, लेकिन एग्जिट वुंड में जो आउटर टेबल है उसके अंदर बिवेलिंग देखी गई है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं शेप ऑफ एंट्री वुंड डिपेंडिंग अपॉन द बुलेट एंट्री। अगर मान लीजिए बुलेट जो है सीधी अगर एंटर करते तो उस केस में कैसा एंट्री वुंड बनेगा। अगर मान लीजिए बुलेट सीधी ना आके थोड़ी सी किसी एंगल में अगर आती है तो उस केस में कैसा बनेगा। तो पहला एग्जांपल है एंट्री वुंड परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए एंट्री वुंड एकदम परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करती है तो उस केस में एकदम सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर वुंड एंट्री बनेगा, सर्कुलर एब्रेशन कॉलर बनेगा, सर्कुलर ही गन पाउडर देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बुलेट एंटर करती थोड़ी सी भी ऑब्लिक, मान लीजिए थोड़ी सी भी ऑब्लिक अगर एंटर करती है तो उस केस में क्या शेप आएगा। तो जैसे आप यहां देख सकते थोड़ा सा ओवल शेप आता है, एब्रेशन कॉलर भी थोड़ा सा ओवल शेप का है और जो गन पाउडर है वो भी थोड़ा सा जो है ओवल शेप का आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ एग्जिट वुंड, क्या क्या पैटर्न हम देख सकते हैं एग्जिट वुंड में। मान लीजिए बुलेट आई, या तो वो फंस जाएगी बोन के अंदर ही बाहर नहीं निकल पाएगी, तो बुलेट लॉज इन ऑर्गन ओनली एंट्री वुंड नो एग्जिट वुंड। मान लीजिए ये हड्डी के अंदर अटक गई, या मान लीजिए कि उसकी रफ्तार पहले से स्लो थी तो वो जो है लीवर में अटक गई तो बाहर नहीं निकल पाया और बीच में ही अटक गई, या तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि बुलेट एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, देयरफॉर वन एंट्री वुंड एंड वन एग्जिट वुंड। मान लीजिए बुलेट आई और वो आर पार चली गई। तीसरा केस क्या हो सकता है, बुलेट एंटर्ड द बॉडी विद वन एंट्री वुंड बट द बुलेट स्ट्राइक ऑब्जेक्ट से बोन एंड ब्रेक इन टू टू पीसेस एंड एग्जिट बॉडी विद टू एग्जिट वुंड। क्या हो सकता है, बुलेट आई वो जो है हड्डी से टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो गई, उसके दो टुकड़े हो गए, तो उसकी वजह से दो एग्जिट वुंड भी देखे जा सकते हैं। या चौथा केस क्या हो सकता है, बुलेट एंटर द बॉडी स्ट्राइक्स बोन एंड ब्रेक द बोन इनटू मल्टीपल पीसेस, द बुलेट एग्जिट विद मल्टीपल बोन फ्रेगमेंट एट सेपरेटेड एग्जिट वुंड, दस देयर विल बी वन एंट्री वुंड विद मल्टीपल एग्जिट वुंड। यानी कि क्या हो सकता है कि बुलेट आई और बुलेट ने हड्डी को तोड़ा और हड्डी भी टूटी और उसकी वजह से क्या है बुलेट भी काफी ज्यादा मल्टीपल फ्रेगमेंट में टूट गई, तो इससे हमें क्या होगा डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट एग्जिट वुंड हमें देखने को, मल्टीपल एग्जिट वुंड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे हमने चार सिनेरियो देखे कि क्या क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्मोक बोर फायर आर्म के बारे में, जिसको हम शॉर्ट गन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है जब हमारी स्मूथ बोर फायर आर्म जब हमने फायर किया तो बाहर निकल के जो पैलेट्स होंगे वो पहले तो साथ में रहेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते रहेंगे तो वो पैलेट जो है बिखरते रहेंगे। तो एज डिस्टेंस इंक्रीज पैलेट स्टार्ट डिस्पर्सिंग फ्रॉम ईच अदर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेंगी मोर डिस्पर्स होगा और एकदम ही दूरी पे फ्यू विल हिट टारगेट। मान लीजिए टारगेट है तो थोड़े से ही टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो अगर मैं रेंज की अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्मूथ बोर फायर आर्म, तो स्मूथ बोर फायर आर्म में यानी कि जो शॉर्ट गन होता है इसको हम शॉर्ट गन के नाम से भी जानते हैं, तो शॉर्ट गन में फ्लेम जो है 30 सेंटीमीटर तक देखी जा सकती है, स्मोक 50 सेंटीमीटर देखी जा सकती है,
गन पाउडर 100 सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है। अगर मैं फ्लेम की बात करूँ तो इसी से ही सिंजिंग और स्कॉर्चिंग दिखाई देता है, स्मोक की वजह से ब्लैकनिंग दिखाई देती है, और गन पाउडर की वजह से हमें टैटूइंग टैटूइंग हमें दिखाई देता है। तो जब शॉर्ट गन से फायर किया जाता है तो बॉडी पे डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट वुंड हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे सर्कुलर, ओवल, स्टार शेप, क्रोशेट या फिर इरेगुलर शेप, कोई भी शेप हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो पैलेट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो चलिए, अपीयरेंस ऑफ एंट्री वुंड इन स्मूथ बोर फायरम एट इंक्रीजिंग रेंज ऑफ डिस्चार्ज। तो अगर कॉन्टेक्ट वुंड, अगर कॉन्टेक्ट शॉट हुआ है, अगर ए है मान लीजिए कोई कॉन्टेक्ट शॉट, कॉन्टेक्ट वुंड में भी मे हैव सर्कुलर और क्रोशेट शेप वुंड। तो अगर कॉन्टेक्ट रहेगा तो उसमें सर्कुलर या फिर क्रोशेट शेप देखा जा सकता है। क्लोज रेंज के केस में क्या होगा, ऐसा शेप आएगा, ये है हमारा क्लोज रेंज, ये है हमारा शॉर्ट रेंज विद रेड होल अपीयरेंस ऑफ वुंड, ये हो गया हमारा शॉर्ट रेंज। एट मीडियम रेंज सैटेलाइट पैलेट होल अपीयर, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द सेंट्रल होल डिक्रीज इन साइज। अगर मैं यहां ई डायग्राम की बात करूं तो जो सेंट्रल होल है उसके साइज एकदम छोटा होता जा रहा है, यहां पे बड़ा साइज, यहां पे छोटा होता रहा, यहां पे और छोटा हुआ, यहां पे और छोटा हुआ, और जो पैलेट है वो डिस्पर्स करने लग गए, यहां पे जो होल है वो और छोटा होता गया लेकिन पैलेट और ज्यादा डिस्पर्स कर गए। लेकिन यहां पे क्या है, कोई भी जो होल है, यानी कि जो होल किससे बना, जो छोटे छोटे पैलेट जो पास में थे वो इतने ज्यादा डिस्पर्स हो गए कि कोई भी होल बना नहीं पाया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं फीचर्स ऑफ स्मूथ बोर फायरआर्म, तो फीचर्स देखते हैं, नंबर ऑफ वुंड, कॉन्टेक्ट शॉट में सिंगल देखा जाएगा, क्लोज शॉट यानी 15 सेंटीमीटर तक भी सिंगल देखा जाएगा, क्योंकि जो पैलेट्स हैं वो आपस में एकदम गैदर्ड रहेंगे, डिस्पर्स नहीं करे होंगे। अगर मैं 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की बात करूं तो भी जो पैलेट्स हैं वो एकदम सिंगल उसमें ही रहेंगे, डिस्पर्स नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद से मल्टीपल वुंड हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़े बहुत डिस्पर्स करने लग जाएंगे। अगर मैं वुंड की शेप की बात करूं तो इसमें सर्कुलर होगा, यहां पे भी सर्कल होगा, यहां पे रेड होल, सैटेलाइट वुंड अराउंड मेन होल, मेन वुंड और वाइडर स्प्रेड, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। ब्लैकनिंग जो है प्रेजेंट होगी, यहां पे प्रेजेंट होगी लेकिन अप टू 50 सेंटीमीटर तक प्रेजेंट होगा ब्लैकनिंग, और यहां पे एब्सेंट होगा, यहां पे भी एब्सेंट होगा। टैटूइंग जैसे मैंने आपको बताया था गन पाउडर की वजह से होता है, तो गन पाउडर जो है शॉर्ट रेंज तक का देखने को मिल सकता है, उसके बाद गन पाउडर रीच नहीं कर पाएगा। सिंजिंग और स्कॉर्चिंग मैंने आपको बताया था फ्लेम की वजह से, तो अप टू 30 सेंटीमीटर तक ही फ्लेम पहुंच पाती है, उसके बाद फ्लेम नहीं पहुंच पाती है, तो शॉर्ट रेंज तक हमें सिंजिंग और स्कॉर्चिंग हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मीडियम डिस्टेंस रेंज में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल फायरआर्म इंजरीज के बारे में, तो साइट ऑफ एंट्री वुंड कैसी होगी, एक्सीडेंटल में कहीं पे भी एंट्री वुंड देखी जा सकती है। मान लीजिए शादी होती है, शादी में बहुत सारे केसेस आते हैं कि किसी ने फायर किया और जो है बुलेट जो है किसी बाराती या किसी पे लग गई, तो ऐसे में वो कहीं बॉडी के किसी पार्ट में लग सकती है। लेकिन सुसाइडल केस में क्या होगा, जैसा मान लिया हाथ है तो हाथ या तो हेड पे जाएगा या फिर चेस्ट पे जाएगा, वो पीठ से अपने आप को नहीं मारेगा, तो ऐसे में जो कॉमनेस जो साइट होगा वो हेड या फिर चेस्ट होगा, जहां पे हाथ नहीं पहुंच पाएगा या जहां से एंगल नहीं बन पाएगा वहां पे सुसाइडल केस में कभी भी देखा नहीं जाएगा। होमिसाइडल केस में भी कहीं पे भी देखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान भाग रहा है
गोली के डर से मान लीजिए भाग रहा है और कोई उसके ऊपर गोली चलाना चाह रहा है, भागते भागते मान लीजिए उसके पैर पे लग गई या सर पे लग गई, तो ऐसे में वो कहीं पे भी गोली लग सकती है। रेंज की अगर मैं बात करूं, एक्सीडेंटली केस में क्लोज रेंज होगी, सुसाइडल केस में कांटेक्ट रहेगा या फिर क्लोज शॉट रहेगा, लेकिन होमिसाइडल केस में कोई भी रेंज हो सकती है। डायरेक्शन एक्सीडेंटल केस में कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पे क्या होगा, अपवर्ड या फिर बैकवर्ड। होमिसाइडल केस में भी कोई भी रेंज डायरेक्शन हो सकती है। नंबर ऑफ वुंड की अगर मैं बात करूं तो एक्सीडेंटल केस में हमेशा वन रहेगा, इसके अंदर तो यूजली ही वन रहेगा, लेकिन यहां पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज करिए किसी ने 5 मीटर की दूरी से अगर गन मान लिए गोली चलाई है, तो हो सकता है जो पैलेट्स हैं वो मल्टीपल इंजरी कर दें या मल्टीपल वुंड कर दें। फायर आर्म रेसिड्यू ऑन हैंड, तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि गन पाउडर जो है हाथों में रह जाता है, तो एक्सीडेंटल केस में हमेशा रहेगा, सुसाइडल केस में हमेशा दिखेगा, लेकिन होमिसाइडल केस में नहीं दिखेगा। आप एक्सीडेंटल केस में ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चे के हाथ में बंदूक आ गई और वो अगर गोली चला देता है तो उसके हाथ में फायर आर्म रेसिड्यू देखा जाएगा। वेपन एट द सीन हमेशा देखा जाएगा, लेकिन सुसाइडल केस में भी देखा जाएगा, लेकिन होमिसाइडल केस में देखा नहीं जाएगा। अगर देखा जाएगा तो वो हमेशा प्लांटेड रहेगा, यानी कि किसी ने जानबूझ के वो सुसाइडल लगे इसलिए वहां पे प्लांट किया गया होगा। मोटिव क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट, क्योंकि अगर हमारे छोटे बच्चे के हाथ में बंदूक आ गई तो वो तो सिर्फ खेल की वजह से ही चलाएगा, लेकिन सुसाइडल केस में क्या होगा, मानिए वो डिप्रेस है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से उसके पीछे कारण हो सकता है। लेकिन होमिसाइडल की केस में क्या देखा होगा, रॉबरी हो सकती है, किसी से बदला लेना होगा, तो उस वजह से ये सारी चीजें देखी जाती है। सुसाइडल नोट हमेशा सुसाइड केस में देखा जाएगा, एक्सीडेंटल केस में नहीं देखा जाएगा और होमिसाइडल के केस में भी देखा नहीं जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, गन पाउडर रेसिड्यू ओवर हैंड इन केस ऑफ सुसाइड विथ पिस्तौल, यानी कि जब इंसान ने सुसाइड किया तो उसके हाथ में जो गन पाउडर के जो रेसिड्यू हैं, ये सारे जो रेसिड्यूज हैं ये सारे गन पाउडर के ही रेसिड्यूज हैं। तो जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कि फायर आर्म रेसिड्यू ऑन हैंड, तो एक्सीडेंटल के केस में भी प्रेजेंट होगा, सुसाइड के केस में भी प्रेजेंट होगा, इसका मैंने आपको पिक दिखाई, लेकिन होमिसाइड के केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसने गोली चलाई वो तो भाग गया होगा, तो फिर वो भाग के अपने हाथ पर धो लेगा ताकि कोई सबूत ना रहे। तो ये सारे हमारे इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके रिगार्डिंग टेस्ट क्या क्या हैं, जिसका निमोनिक मैंने आपको बताया था HANDD, जिससे मैंने एच से मैंने आपको बताया था हरिसन एंड एंड गिलरॉय, हरिसन एंड गिलरॉय टेस्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां पे मैंने बताया था हरिसन एंड गिलरॉय टेस्ट। ए से मैंने बताया था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एन से मैंने बताया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, और डी से मैंने बताया था आपको डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, तो चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने लिया है एक्सप्लोजन या फिर ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी। इसके अंदर क्या होता है, अ पर्सन में बी इंजर्ड ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी इन मैनी वेज। ब्लास्ट इंजरी आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इन टू 4 कैटेगरीज, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है बॉम्ब ब्लास्ट। पहला है प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी इज कॉज सोनली बाई डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ओवर प्रेशर ऑन टिश्यूज, एयर इज इजली कंप्रेसिबल अनलाइक वॉटर, एज अ रिजल्ट अ प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी ऑलमोस्ट ऑलवेज इफेक्ट एयर फिल्ड स्ट्रक्चर सच एज लंग्स, ईयर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजरी विद हेमरेज इन द मिडिल ईयर इज कॉमन फाइंडिंग इन सर्वाइवर विक्टिम। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉम्ब के ऊपर खड़ा है, कोई मान लीजिए बॉम्ब है और ये कोई मान लीजिए इसके पास कोई खड़ा है, तो जब बॉम्ब फटा तो उसकी वजह से जो एयर है वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि जो
इंसान के अंदर जो एयर फिल्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लंग्स, लंग्स के अंदर हवा रहती है तो एयर फिल्ड स्ट्रक्चर है। ईयर, ईयर के अंदर जो मिडल ईयर होता है वो एयर फिल्ड स्ट्रक्चर है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, मान लीजिए नाक है या मुंह है, इसके थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर हवा जा सकती है, कंप्रेस्ड एयर जा सकती है। लेकिन जो अगर मान ली कोई इंसान बच गया है तो उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर इंजरी और मिडिल ईयर के अंदर हेमरेज पक्का देखा जाएगा। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी क्या है? इज कॉज बाय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और मिसाइल जनरेटेड और प्रोपेल्ड बाय द एक्सप्लोजन दैट स्ट्राइक पीपल। यानी कि अगर मान लीजिए जब ये बॉम्ब फटा तो इस बॉम्ब के फटने से जो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं ये इंसान के ऊपर लग जाएंगे। इसकी वजह से इसी को बोला जाता है सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी। या मान लीजिए ये जो बॉम्ब था, ये मान लीजिए किसी किसी ऑब्जेक्ट के नीचे रखा गया था, मान लीजिए कार के नीचे रखा गया था, तो जब कार के नीचे जब फटेगा तो कार के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उड़ उड़ के इंसानों के ऊपर गिर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच है या कोई मेटल का पार्टिकल है। टर्शरी ब्लास्ट इंजरी क्या है? इज अ फीचर ऑफ हाई एनर्जी एक्सप्लोजन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी अकर्स व्हेन पीपल फ्लाई थ्रू द एयर एंड स्ट्राइक अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि बॉम्ब फटा, इस बॉम्ब के फटने से इंसान उड़ के कहीं गिर गया। यानी कि पीपल फ्लाई थ्रू द एयर एंड स्ट्राइक अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे आप टिपिकल मूवीज में आप देखते हैं कि जो हीरो जो है विलेन के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, बॉम्ब गिरने से जो विलेन होते हैं वो अलग अलग जगह उड़ उड़ के गिरने लग जाते हैं, तो वही जब वो गिरते हैं तो वही टर्शरी ब्लास्ट इंजरी कहलाती है। मिसलेनियस ब्लास्ट रिलेटेड इंजरी क्या है? एनकम्पास ऑल इंजरी कॉज बाय एक्सप्लोजन, फॉर एग्जाम्पल कोलिजन, इंजरी बाय फॉलिंग मशीनरी या फिर बिल्डिंग या फिर बीम्स। सपोज करिए कि किसी बिल्डिंग में किसी ने बॉम्ब लगाया है। अब वो मान लीजिए बॉम्ब लगाने से बिल्डिंग गिरी और मान लीजिए वो बिल्डिंग ही उस इंसान के ऊपर गिर गई, तो ये मिसलेनियस ब्लास्ट रिलेटेड इंजरी के अंदर आएगा। इन एडिशनल बर्न बाई फ्लेम और हॉट गैसेस में बी नोटेड एज पर्सन में सस्टेन बर्न इंजरी विद द एक्सप्लोजिव एक्सप्लोशन फ्लेम और हॉट गैसेस। सिंस जब बॉम्ब फटता है तो उसके साथ साथ फ्लेम भी बनती है, तो उसकी वजह से बर्न इंजरीज भी इंसान के अंदर देखी जा सकती है। तो हम बैलिस्टिक्स के केस में क्या क्या सैंपल प्रिजर्व करेंगे? तो वो है क्लोथ्स, स्किन, पाउडर ट्रेस, पेंट फ्रेगमेंट, ऑयल या फिर ग्रीस, ग्लास या अदर फॉरन मटेरियल या फिर मेटल फ्रेगमेंट। ये सारे हम एग्जामिनेशन के लिए हम ये सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं। और भी चीज़ें देख लेते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम क्या क्या सैंपल प्रिजर्व करते हैं, क्या क्या सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। ब्लड, यूरिन, लीवर, बाइल, लंग, स्टोमक विद कंटेंट। मान लीजिए किसी को जहर देके गया दिया मारा गया है तो स्टोमक विद कंटेंट, विट्रस फ्लूड और स्किन। फॉर टिश्यू मैचिंग या फिर डीएनए, मान लीजिए दो बच्चों के बीच में, एक बच्चा और एक कोई आदमी है, उसके बीच में पेरेंटल डिस्प्यूट हमें सॉल्व करना है, तो हेयर, ब्लड या फिर मसल से हम डीएनए मैच कर सकते हैं। किसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई खो गया है, मान लीजिए कोई शादी या कोई किसी पार्टी फंक्शन में जा रहा था और वो किडनैप हो गया है, तो फुटवेयर, ज्वेलरी, पॉकेट के अंदर मान लीजिए वॉलेट है या क्लोथ्स हैं, इन सब चीज़ों से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक वर्ड आता है कैनेडी फिनोमिनन। कैनेडी जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिसको गोली से मार के हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं के नाम पे कैनेडी फिनोमिनन बना है। इट इज एन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सर्जिकल इंटरवेंशन। दिस नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम JF कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ USA। द प्रेसिडेंट वाज किल्ड बाय बुलेट बट द डॉक्टर हु हैड फर्स्ट सीन हिम हैड एक्सप्लोर्ड द वुंड सर्जिकली इन होप टू रिमूव द बुलेट एंड डिस्टॉर्टेड द बुलेट वुंड। एट ऑटोप्सी द वुंड ऑफ एंट्री डिड नॉट रिजेंबल विद द स्टेटेड फायरआर्म। लेटर द फर्स्ट डॉक्टर रिवील्ड द फैक्ट विद द एम्बिग्युटी वॉज मेड क्लियर। इसका मतलब ये है कि कैनेडी फिनोमिनन के अंदर क्या होता है कि जब इंसान को बचाने के लिए उसकी सर्जरी की जाती है, गोली को बाहर निकालने के लिए सर्जरी जब की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर उस एरिया को क्लीन करेगा गोली को बाहर निकालने के लिए। तो जब एरिया को क्लीन किया जाएगा, उस पर सर्जरी होगी,
तो जितने भी एंट्री वुंड है, जितनी भी जो सबूत है वो मिटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश एंट्री एंड एग्जिट वुंड इन पोस्टमार्टम। तो कैनेडी फिनोमिना क्या कहता है, डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश एंट्री एंड या फिर एग्जिट वुंड इन पोस्टमार्टम। क्योंकि जो सर्जन क्या करेगा, उस एरिया पे थोड़ा उसको साफ करेगा, कंटामिनेशन फ्री करेगा, ताकि जो है और कंटामिनेशन जो है बॉडी के अंदर और ना फैल पाए। तो इस वजह से जो सबूत है वो मिट जाएंगे। इसी को ही कैनेडी फिनोमिनन बोला जाता है। ये यूएस के जो प्रेसिडेंट है जेएफ कैनेडी, उनके ऊपर जब गोली मार के उनकी जब हत्या की गई थी, तो उसका जो डॉक्टर था तो उन्होंने वुन को साफ किया था, जिसकी वजह से जो बुलेट है उसकी पहचान होने में दिक्कत हो गई थी। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके अंदर लिया गया है, ये जो इमेज है ये है पपेज रूल के बारे में। ये है पपेज रूल। पपेज रूल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बुलेट, यूज टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बुलेट। ये क्या कहता है कि कोई भी बुलेट, अगर मान लीजिए कोई सेकंड बुलेट है, तो कभी भी वो फर्स्ट बुलेट को कभी भी क्रॉस ओवर नहीं करेगी। सेकंड बुलेट नेवर क्रॉसेस फर्स्ट। अगर मैं ऐसे लिखूं, सेकंड बुलेट नेवर क्रॉसेस फर्स्ट। अगर मैं यहां आपको डायग्राम से आपको समझाऊं, तो अगर मान लीजिए पहली बुलेट लगी, उसकी वजह से स्कल में ऐसे दरार पैदा हुई, तो जब सेकंड बुलेट मारी गई तो जो दरार है वो कभी भी फर्स्ट बुलेट की दरार को क्रॉस नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इसको आगे क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होगा। इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यही पपेज रूल बोला गया है कि इससे हमें बुलेट कि फायरिंग सीक्वेंस का हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीन बुलेट यहां पे फायर हुई है, तो बताइए पहली बुलेट कौन सी फायर की गई थी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहली जो बुलेट फायर की गई, उससे जो दरार पैदा हुई है वो किसी को भी क्रॉस, वो हर किसी को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो सेकंड है वो पहले को क्रॉस नहीं कर पा रही, और जो थर्ड जो बुलेट है वो सेकंड को भी क्रॉस नहीं कर पा रही, और जो थर्ड को भी क्रॉस, वो फर्स्ट को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो इसलिए जो सीक्वेंस है वो रेड, फिर ब्लू, और फिर ये ग्रीन। यही है हमारा पपेज रूल। तो सेकंड बुलेट नेवर क्रॉसेस फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बैलिस्टिक आज यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। मैं इसके रिगार्डिंग एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि जो कार्टिलेज ऑफ रॉकेट है, अगर मैं यहां लिखता हूं, जो कार्टिलेज ऑफ रॉकेट लॉन्चर, उसको हम बोलते हैं गायरोजेट, उसको हम बोलते हैं गायरोजेट। और इसके अंदर हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो टैटूइंग और ब्लैकनिंग है, उसके अंदर जो ब्लैकनिंग है वो आसानी से साफ हो सकता है, लेकिन जो टैटूइंग है वो आसानी से साफ नहीं होगा। यानी कि टैटूइंग और ब्लैकनिंग, जो ब्लैकनिंग है वो वाइप आउट इजिली हो जाएगी, लेकिन जो टैटूइंग है वो वाइप आउट, यानी कि इसको आसानी से साफ किया जा नहीं सकता है, इजिली साफ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बैलिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड करने से पहले, वॉट एवर यू डिसाइडेड टू डू, मेक श्योर इट मेक यू हैप्पी। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब यही है कि सपोज करिए आप नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते करते आपको लगा कि मैं जो है 2 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, 2 दिन तक मैं अभी नहीं पढ़ाई करता हूँ, और मैं एकदम अच्छे से ब्रेक लेके 3रे दिन से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। तो आपका ये जो डिसीजन है,
हमेशा वो डिसीजन लीजिए जिससे आपको खुशी मिले, ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में पछतावा हो। बाद में मान लीजिए आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ होता है तो आपको ये लगेगा अरे यार मैंने वो 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली जिसकी वजह से मेरा रिविजन टाइम पे खत्म नहीं हो पाया। तो हमेशा डिसीजन ऐसा लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि आप 2 दिन का छुट्टी लेने की बजाय आप आधे दिन या फिर 1 दिन का छुट्टी लेके अपने माइंड को एकदम फ्रेश कर लीजिए। इससे आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि यार मैंने अपने 3-4 दिन वेस्ट कर दिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स करने के तौर पे वो अपने टाइम वेस्ट करने ले आते हैं और फिर वो बाद में गिल्ट फील करते हैं यार मैंने अपना टाइम वेस्ट बहुत कर दिया। तो ऐसे में कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा करना पड़े। जैसे अभी 10 महीने बचे हैं नीट पीजी एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी का टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो लेता हूँ, जनवरी में तो ख़त्म हुआ था पेपर, बाद में मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, तो आपका ये जो डिसीजन है इससे आपको बाद में गिल्ट फील ना हो, इसलिए ऐसे कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में पछतावा हो। तो इसलिए जो भी डिसाइड करो वो बाद में आपको हैप्पीनेस दे, आपको सुख दे, ऐसा ही डिसीजन आप हमेशा लें। तो दोस्तों एंड करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। भूलिएगा नहीं मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की तो इसके चार्जेस है 30,000 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करोगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 30,000 नहीं देना है, आपको देना रहेगा 27,000 रुपीज ओनली। ऐसे अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं या 1 साल की बात करूं तो 12 मंथ्स के लिए मेरा कोड यूज करके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 22,500। तो दोस्तों एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेके जरूर देखिए, आपको पक्का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचिए, मुंह पे ग्लव्स लगा के रखिए ताकि कंटामिनेशन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए आपको इफेक्ट ना करे। इंडियन सिस्टम को थोड़ा इंडियन कल्चर को थोड़ा अपनाइए, जैसे हैंड वॉश करना, हमेशा खाना खाने से पहले हैंड किसी से ग्रीट करते हैं तो नमस्ते करिए, हैंड शेक ना करिए। अगर आप हैंड शेक करते हैं तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह से आया हो जो कंटामिनेटेड हो, उससे हैंड शेक करने से आपको आपके हाथ में आ जाए, फिर वो आप नोज़ या मुंह में अगर आप लेके जाते खाना खाते समय तो उससे आपको भी इन्फेक्शन होने का डर रह सकता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अपने आप को हमेशा सेफ रखिए, बाहर जाने से बचिए। ऐसे में हमारा अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आप यहाँ घर बैठे आप यहाँ पर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इससे आपको घर बैठे बैठे ही बिना किसी क्राउडेड प्लेस में हजारों 500,000 बच्चों की क्लास में बैठ के आपको क्लासेस नहीं करनी पड़ेगी, आप घर में बैठ के ही लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।